2011 सेंसस किन राज्यों में था जी? इन द प्रोपोर्शन ऑफ अर्बन पॉपुलेशन वाज मोर देन द 40% इन द स्टेट। देखो इसमें ऑप्शन में बात तो समझ आ रही है, तमिलनाडु तो ज्यादा ही रहेगा है ना, फिर तमिलनाडु के बाद आप लोगों का हरियाणा, हरियाणा के बाद गुजरात, महाराष्ट्र। सो गाइस करेक्ट आंसर, ओहो सॉरी मैंने गलत आंसर मार्क कर दिया। करेक्ट आंसर इसका यहाँ पे डी है, सेकंड नहीं है, डी है इसका। पहले तमिलनाडु, फिर केरला, फिर महाराष्ट्र, फिर गुजरात। 2011 के सेंसस के हिसाब से आपको डाटा बताना है, तो उसके हिसाब से पहले तमिलनाडु, फिर आपका केरल, फिर आपका महाराष्ट्र, फिर आप लोगों का यहाँ पे क्या आता है, गुजरात। ओके लो जी अगला क्वेश्चन। सेकेंड नेशनल कमीशन ऑन लेबर हैज रिकमेंड अ थ्री टायर इंक्लूडिंग। देखो जैसे आप लोगों को अगर कोई केस करना है तो ऐसा नहीं है कि आप डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट में पहुंच जाओगे, वैसे ही श्रम को भी जब कोई केस करना होता है या फिर मैं कहूँ लेबर को करना होता है, श्रम पर द्वितीय राष्ट्रीय आयोग के बारे में, ओके तो उसके बारे में आपको यहाँ पर बताना है। त्रिस्तरीय प्रणाली की अनुशंसा है कि जिसमें सम्मिलित है लोक अदालतें, श्रम अदालतें, श्रम आयोग, लोक अदालतें, श्रम अदालतें, श्रम संबंध आयोग, लोक अदालतें, श्रम अदालतें, यहाँ पे न्यायिक अदालतें, लोक अदालतें, श्रम अदालतें और श्रम निरीक्षक। ठीक है, तो यहाँ पे आप लोगों ने बताना है थ्री टायर सिस्टम इंक्लूडिंग आप लोगों का यहाँ पे कौन कौन सा होने वाला है। देखिए लेबर को अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो पहले वो थ्री टायर सिस्टम में यहाँ पे जाएगा लोक अदालत के पास। लोक अदालत की जजमेंट से अगर वो नहीं है सेटिस्फाइड तो फिर वो लोक कोर्ट पे जाता है, लेबर कोर्ट पे जाता है, फिर वो लेबर रिलेशन कमीशन पे जा सकता है। तो ये हमारा टोटल थ्री टायर सिस्टम है, सेकंड वुड बी द राइट ऑप्शन। अंडर ट्रिप्स प्रोटेक्शन फॉर कॉपीराइट कितने के लिए रखा जाता है, कितने सालों के लिए ट्रिप्स के अंतर्गत? देखिए जब कोई चीज़ किसी के नाम पे कॉपीराइटेड होती है, जैसे मेरी किताब मेरे नाम पे कॉपीराइटेड है, ठीक है, तो कितने सालों तक, मेरी मृत्यु के कितने सालों तक वो मेरे नाम से कोई यूज़ नहीं कर सकता? लेखक की मृत्यु के 20 वर्ष, लेखक की मृत्यु के बाद 30 वर्ष, 40 वर्ष, 50 वर्ष। ओके तो इसके बारे में आप लोगों को यहाँ पे ये बताना है अंडर ट्रिप्स प्रोटेक्शन फॉर कॉपीराइटेड कितने साल का रहेगा। क्या बात है, क्या बात है, बहुत ही बढ़िया। तो सबसे पहले आंसर दे रहे हैं अंशिका, सुकुटुस पर अंशिका, 50 सालों तक, ठीक है, 50 ईयर्स आफ्टर द डेथ ऑफ ऑथर कोई उस चीज़ को यूज़ नहीं कर सकता, लेखक की मृत्यु के बाद 50 वर्ष तक। ओके नेशनल फूड सिक्योरिटी लो कवर करता है, कितना कवर करता है? 65% ऑफ रूरल पॉपुलेशन, 70% ऑफ रूरल पॉपुलेशन, 75% ऑफ रूरल पॉपुलेशन या फिर 80% ऑफ रूरल पॉपुलेशन? जी राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा विधि में सम्मिलित है कितना जी? 65, 70, 75, 80। बहुत ही बढ़िया, 75% तक ग्रामीण जनसंख्या यहाँ पे हम लेके चलेंगे, 75% ऑफ रूरल पॉपुलेशन इसके अंदर ही इंक्लूड करके चलता है। सो सी वुड बी द राइट आंसर। ठीक है, सो गाइस अभी एक क्वेश्चन आ रहा है, बड़ा ही ज़बरदस्त क्वेश्चन है जी आपका, इंडियन इकोनॉमी में से और स्कीम आई थी उसके बारे में एक क्वेश्चन है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ द पीएम किसान सम्मान निधि स्कीम एज अनाउंस्ड ऑन 1 फैब 2019। ऑल फार्मर्स हैविंग लैंड होल्डिंग अप टू 2 हेक्टेयर्स आर एलिजिबल अंडर द स्कीम। स्कीम विल बी एप्लीकेबल फ्रॉम 1 अप्रैल 2019। गवर्नमेंट विल ट्रांसफर ऑफ ₹6,000 पर एनम इन टू द बैंक अकाउंट ऑफ द एलिजिबल बेनिफिशरीज। द मनी विल बी गिवन इन 3 इंस्टॉलमेंट्स ऑफ ₹2,000 ईच। 1 फरवरी 2019 को घोषित पीएम किसान सम्मान निधि योजना का निम्नलिखित में से कौन सा भाग नहीं है? 2 हेक्टेयर तक की जोत वाली सभी किसान इस योजना के अंतर्गत पात्र हैं। यह योजना 1 अप्रैल 2019 से प्रयोज्य होगी। सरकार प्रतिवर्ष ₹6,000 का पात्र लाभार्थियों के बैंक खातों में अंतरण करेगी। यह राशि प्रति ₹2,000 की 3 समान किश्तों में दी जाएगी। सो गाइस आंसर्स हमारे पास आना शुरू हो गए हैं क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट योजना है, तो इसके बारे में आपसे डिस्कशन करना तो बनता ही है। देखो मैं आपको दिखा देती हूँ, थोड़ा जूम करके आपको दिखाती हूँ। प्रधानमंत्री किसान सम्मान पीएम किसान, ठीक है, तो पीएम किसान में आप लोगों का ये जब इंटरिम बजट आया था हमारा 2019 से 20 तक एक इंटरिम बजट चलाया गया था क्योंकि तब सरकार बनी नहीं थी,
तो किसकी सरकार को लाना, जब तक वोटिंग नहीं होगी तो सरकार बनेगी नहीं। तो इस स्कीम को अनाउंस किया गया था डायरेक्ट इनकम सपोर्ट ऑफ ₹6,000 पर एनम, ठीक है। एक साल के लिए किसानों को कितने रुपए दे जाने चाहिए थे, एक साल के लिए किसानों को ₹6,000 देने थे। इफेक्टिव कब से हो रही है, ये इफेक्टिव हो रही है 1 दिसंबर 2018 को। टू बेनिफिट 12 करोड़ स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर फैमिलीज हैविंग कल्टिवेबल लैंड अप टू 2 हेक्टेयर्स। तो मतलब जिनके पास 2 हेक्टेयर तक का लैंड है उसके लिए इसको बेनिफिशरी बनाया गया। डायरेक्ट ट्रांसफ़र इनटू द बैंक अकाउंट इन 3 इक्वल इंस्टॉलमेंट, यानी कि 2-2 हज़ार की 3 किश्तों में पैसा दिया जाएगा। फर्स्ट इंस्टॉलमेंट अप टू 31 मार्च 2019 टू बी पेड, मतलब उसी साल दे दिया गया था। और बजट में देखो 2019 से 20 में 75,000 करोड़ रखे गए थे और 18 से 19 में इसके लिए 20,000 करोड़ रखे गए थे। ओके, तो बाद में सरकार ने दिखाया था कि स्कीम की वजह से हमारा फिस्कल डेफिसिट घाटा भी जो है बढ़ गया है। तो आपने पते की बात यहाँ पे ध्यान रखनी है कि स्कीम कब आई है। ये स्कीम आप लोगों की इफेक्टिव हो गई थी 1 दिसंबर 2018 को इफेक्टिव हो गई थी, ठीक है। और देखो एग्जामिनर कैसे बुद्धू है ना, कैसे बोल रहा है 1 अप्रैल 2019 को। तो जी 1 अप्रैल 2019 को नहीं आई ये, तो आप लोगों की स्कीम ऑलरेडी लॉन्च हो चुकी थी। कब लॉन्च हो चुकी थी, 1 दिसंबर 2018 को आ चुकी थी। जो बात आप लोगों की क्या है, जो बिल्कुल ही आप लोगों की गलत है, ठीक है। मैम डेली, हाँ जी डेली होती है इकोनॉमिक्स की क्लास यूट्यूब पे। देखो हमारी महीने की 5 क्लास होती है और अनअकैडमी पर डेली होती है। फॉर डिटेल्स आप मुझे इस नंबर पे व्हाट्सएप कर सकते हो 9818369115। और तानिया इकॉन डेली आपका टेलीग्राम पे मैं शेड्यूल शेयर करती हूँ कितने बजे फ्री वाली क्लास होने वाली है, ठीक है। तो यहाँ पे आप टेलीग्राम तो सभी जरूर ज्वाइन कर लीजिए, ठीक है। सो गाइज आई होप आपको ये अच्छे से क्लियर हो गया होगा पीएम किसान सम्मान निधि योजना के बारे में। ओके लो जी अगला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट विद रेफरेंस टू सर्वे। ये भी ना मतलब आप ये लगा लो यूजीसी का फेवरेट क्वेश्चन ही बन गया सर्विस सेक्टर के ऊपर। हर बार आपके पेपर में क्वेश्चन होता ही होता है, ठीक है, जरूर होगा ये क्वेश्चन। इट इज नॉट करेक्ट विद रेफरेंस टू द सर्विस सेक्टर। सर्विस सेक्टर हैज द लार्जेस्ट शेयर इन GDP। सर्विस सेक्टर हैज द लार्जेस्ट शेयर इन एम्प्लॉयमेंट। सर्विस सेक्टर ग्रोथ हैज बिन हायर देन द ग्रोथ ऑफ एग्रीकल्चर सेक्टर। प्रोडक्टिविटी पर वर्कर इन सर्विस सेक्टर इज हायर। देखिए वैसे तो हमारी फ्री क्लास का टाइम 4 से 5 होता है, लेकिन आजकल ये हमारी क्लासेस चल रही हैं रात को 10 से 11। तो आज भी अनअकैडमी पे एक फ्री स्पेशल क्लास है 10 to 11। तो आप टेलीग्राम ज्वाइन कर लो, टेलीग्राम पर सारी खबरें आपको मिलती रहती हैं। निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय अर्थव्यवस्था के सेवा संदर्भ में सही नहीं है। तो जिस सेवा क्षेत्र का रोजगार में अधिकतम हिस्सा, ये कहना बिल्कुल भी सही नहीं होगा। सर्विस सेक्टर एज द लार्जेस्ट शेयर इन एम्प्लॉयमेंट, बिल्कुल गलत गलत गलत। इसलिए 79 का करेक्ट आंसर आप लोगों का बी हो जाएगा। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन, RBI मेड इंडियन फुली कन्वर्टेबल इन करंट अकाउंट ट्रांजैक्शन कब इन्होंने करना शुरू कर दिया था, कौन से साल में इन्होंने इस स्टेप को यहाँ पे लिया था। RBI ने वस्तुओं और सेवाओं से संबंधित चालू खाते के लेन देन को किस वर्ष में भारतीय रुपए को पूर्ण प्रवेशन परिवर्तीय बनाया है, कब बनाया है जी इन्होंने, इन्होंने बनाया है 1994 में, ठीक है। तो 1994 इज द राइट आंसर कि रुपी को हम फुली कन्वर्टेबल कर सकते हैं करंट अकाउंट ट्रांजैक्शन के लिए। करंट अकाउंट में आपको पता है ना BOP के 2 अकाउंट होते हैं, एक होता है आपका करंट, दूसरा होता है कैपिटल। तो करंट में आप फुली कन्वर्टेबल कर सकते हैं जी यहाँ पे। एंड दी गाइस करेक्ट आंसर है टू बी 1994। ओके सो गाइस अगला क्वेश्चन आपसे एक स्टेटमेंट के ऊपर पूछा गया था। एडुकेशन एज इन्वेस्टमेंट इन ह्यूमन रिसोर्सेज प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल अमंग द फैक्टर्स विच कंट्रीब्यूट टू इकोनॉमिक ग्रोथ। दिस स्टेटमेंट वाज गिवन बाय न्यू एजुकेशन पॉलिसी या फिर एजुकेशन कमीशन NCERT या फिर सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। ओके मानव संसाधनों में शिक्षा के रूप में निवेश उन कारकों के पीछे एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है जो आर्थिक समृद्धि में योगदान करते हैं। यह कथन किसमें और किसके द्वारा दिया गया है। ओके हाँ जी तो देखिए यह कथन दिया गया था शिक्षा आयोग 1966 ने, ठीक है।
क्लास खत्म होने वाली है, बस 5 मिनट की और बची है। 6 बजे तक की होनी थी तो 5 मिनट और बची है आपकी। एजुकेशन कमीशन ने 1966 में से लिया था।